नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। 11,000 वोल्टेज तार पर गिरा शीशम का पेड़ क्षतिग्रस्त। सोमवार शाम अचानक आए आंधी तूफान में कई भारी भरकम पेड़ ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। फिलहाल किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। गौरतलब है कि सोमवार शाम अचानक मौसम परिवर्तन के साथ तेज गति से आए आंधी तूफान से मेजा तहसील क्षेत्र में जगह जगह लोगों के छप्पर व पेड़ गिरने से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसी क्रम में सोभैती जमुआ गांव के अभयराज यादव के घर के सामने मांडा मेजा मार्ग पर शीशम का विशालकाय पेड़ रात में चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से 11,000 वोल्टेज विद्युत तार पर धराशायी हो गया, जिससे विद्युत व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं अभयराज यादव ने बताया कि इसी पेड़ के नीचे दर्जन भर आवारा मवेशी ठहरे हुए थे, जो भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि उस समय बिजली नहीं थी, नहीं तो हादसा हो सकता था। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।